माय यूट्यूब चैनल, दिस इज हीना भाटिया एंड दिस इज आर डे 4 इन श्रीनगर। एंड अभी फिलहाल मैं जिस हाउस बोट में हूँ, यहाँ से मैं चेकआउट करने वाली हूँ। बेसिकली मेरा गुलमर्ग, श्रीनगर के पूरे साइट सीइंग एंड पहलगाम, जो मेरी आइटनरी थी, मैं पूरी कंप्लीट कर चुकी हूँ। एंड हमें आज टोटल 4 दिन हो चुके हैं यहाँ पे श्रीनगर में, कश्मीर आए हुए बेसिकली। एंड आज मेरा यहाँ पे जिस हाउस बोट में मैंने स्टे किया हुआ था, यहाँ पे आज लास्ट डे है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी, जिन्होंने मेरे पहले ब्लॉग्स नहीं देखे हैं श्रीनगर के या कश्मीर के, तो प्लीज़ देख लेना, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग सोलो, तो मैंने सोलो ट्रैवल करा है, मैंने बजट में ट्रैवल करा है एंड मैंने सारे प्लेसेस बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करे हैं। तो आई होप कि आपने मेरी पहले वाली वीडियोज़ देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज हमें यहाँ टोटल 4 दिन पूरे हो चुके हैं यहाँ से मैं चेकआउट कर रही हूँ, जिस हाउस बोट में मैं रुकी हूँ। अगर इस हाउस बोट की आपको डिटेल्स चाहिए कि मैं कहाँ रुकी थी, और ये काइंड ऑफ अ बजट हाउस बोट है, लेकिन बहुत अच्छी है, यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी थी, यहाँ का खाना बहुत अच्छा था, यहाँ के ओनर बहुत अच्छे थे, तो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे 4 दिन, मैंने 4 नाइट यहाँ पे स्टे किया, बहुत ही अमेजिंग रहा। तो इस सारी डिटेल्स अगर आपको जाननी है, मैं आपको वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, वहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ के क्या प्राइसेस है सब मैंने उसमें कवर करा है डिटेल में। तो फिलहाल यहाँ से चेकआउट करके मैं कहाँ जा रही हूँ, तो आज का क्या प्लान है, आज मैं अपने घर वापस नहीं जा रही हूँ, आज भी मेरा कुछ प्लान है। आज ये प्लान है कि आपको दिखाया जाए, एक्सपीरियंस शेयर किया जाए कि श्रीनगर में एक लग्जूरियस हाउस बोट कैसे दिखती है। तो आपके साथ मैं ये अब शेयर करूँगी, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, जो भी कोई लग्जूरियस कैटेगरी में हाउस बोट में स्टे एक्सपीरियंस करना चाहता है उनके लिए। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। गाइस, तो ये है पूरी डल लेक और यहीं पे मैं एक हाउस बोट में रुकी हुई थी। फिलहाल मैं यहाँ से जा रही हूँ निगिन लेक। यहाँ पे श्रीनगर में एक बहुत ही सुंदर और लेक है जिसका नाम है निगिन लेक। जिस लग्जूरियस हाउस बोट में मैं स्टे करने वाली हूँ वो वहीं पर ही है। पहुंच चुकी हूँ निगिन लेक पर, और डल लेक से निगिन लेक पहुंचने के लिए मेरे को लगे कुछ 15 से 20 मिनट। एंड यहाँ पे अभी मैं हूँ घाट नंबर 1 पे। मैं जिस आज हाउस बोट पर रुकने वाली हूँ निगिन लेक पर, उसका नाम है नास कश्मीर। एंड फिलहाल अभी वही यहाँ पे शिकारा भेज रहे हैं मेरे लिए, जो मुझे लेके जाएगी हाउस बोट तक। सो बेसिकली ये है निगिन लेक, एंड यहाँ पे जो टूरिस्ट है वो बहुत ही कम रुकता है ऑनेस्टली, क्योंकि सबकी प्रेफरेंस यही होती है कि वो डल लेक पर ही स्टे करे अगर वो हाउस बोट में रुकना चाहते हैं तो। एंड आई थिंक इसीलिए निगिन लेक जो फेमस है वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जितने भी हाउस बोट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक पीसफुल इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करती है, बिकॉज यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं है, यहाँ पे इतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर। एंड डल लेक में आप सबको पता है कि वहाँ पे कितने ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं, तो वहाँ पे डल लेक इज़ लाइक वेरी फेमस ऑफ कोर्स, बट निगिन लेक भी श्रीनगर में एक रहने के लिए, हाउस बोट में रहने के लिए बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है। हाउस बोट में जाने से पहले भैया से पूछते हैं कि निगिन लेक बताइए सुंदर क्यों है। डल लेक तो यहाँ से वो डल लेक का क्राउड है। अच्छा, क्राउडी है। हाँ, निगिन लेक में वो वेरी क्वाइट है। वेरी क्वाइट, वेरी वेरी क्वाइट। मैंने सुना कि यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं काफी। बहुत मतलब ज्यादा एक्सप्लोर आए यहीं। अच्छा, बिल्कुल। ओके, वीआईपी लोग आते हैं। वीआईपी लोग, बड़े-बड़े लोग आते हैं। अच्छा, सो आज हम भी स्टे करने वाले हैं यहाँ पर। सो गाइस, यहाँ पे मुझे ये कहवा पिला रहे हैं। कहते टेस्ट करो कहवा, और ऑल द मैंने ट्राई किया था। ओके, सो ये आ गया मेरा कहवा। सो गाइस, आपने सुन लिया अंकल जी से, वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत वीआईपी लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत क्वाइट है। और इन्होंने मुझे यहाँ पे शिकारा पे ही मुझे इन्होंने ये कहावा दे दिया, कश्मीरी कहावा, जो कि बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा।
काइंड ऑफ अ टी है ये एक, जिसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं और इसमें थोड़ी सी केसर भी डाली जाती है, ओरिजिनल केसर। सो लेट्स ट्राई ये कैसा है। केसर और अदरक का बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। आपने बनाया? बहुत बढ़िया। आपने बनाया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। फॉर यू मैम। ओके थैंक यू। सो दिस इज द लाइक वार्म वेलकम फ्रॉम नाज कश्मीर फॉर मी। सो थैंक यू सो मच सर। सो गाइस की है इनका लिविंग रूम, द ग्रैंड लिविंग रूम। बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ओह वाओ दिस हाउस बोट इज लाइक सो ह्यूज। ओके तो गाइस स्टार्ट करते हैं पहले रूम के टूर से। पहले मैं आपको रूम का टूर देना चाहती हूँ। ये पूरा रूम है, तो यहाँ पे लगा लीजिए कि 3 पर्सन तो आराम से यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, 3 लोग तो आराम से यहाँ पे रह सकते हैं। एंड वो एसी जो पूरे रूम को हीटिंग दे रहा है, हीटिंग के लिए यहाँ पे एक ये भी चीज़ एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है क्या है, बट हाँ ये हीटर का ही ऑब्वियसली वर्क करता है। बहुत ही बड़ा वॉशरूम है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्लीन। सो गाइस मैंने आपको इस रूम का टूर तो दे दिया, बट यहाँ पे एक और बिल्कुल न्यू इनोवेटिव चीज़ है कि इस रूम में जितने भी इनके रूम्स हैं, टोटल 5 रूम्स हैं इनके हाउस बोट में, इनमें ये प्रोवाइड करते हैं जर्मन हीटिंग टेक्निक। मैंने ये पढ़ा था। सो बेसिकली जर्मन हीटिंग टेक्निक क्या है ये एक्सप्लेन मैं प्रॉपर नहीं कर पाऊंगी, तो मैं यहाँ किसी की हेल्प लेती हूँ जो इस हाउस बोट के लाइक हेल्पर है, बिकॉज ओनर तो अभी यहाँ पर नहीं है। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि ये जर्मन हीटिंग टेक्निक बेसिकली है क्या। ऑयल के ऊपर, केरोसिन ऑयल के ऊपर। आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा सेफ इक्विपमेंट है फॉर हीटिंग पर्पस। तो ये जर्मन हीटिंग टेक्निक है जो मैंने यहाँ पर पढ़ा था कि इस हाउस बोट में ये चीज़ है। बाकी हाउस बोट में है या नहीं मेरे को नहीं पता, बट हाँ जो वो जिस पहली हाउस बोट में मैं रह के आई हूँ वहाँ ही नहीं था ऑफकोर्स। सो यहाँ से अब बाहर आप देख सकते हो इस वाली पूरी हाउस बोट में आपको इतना खुला स्पेस मिलेगा कि अगर आपको बाहर लेक का व्यू लेते हुए एंजॉय करते हुए अगर आपको बाहर बैठना है आप बाहर भी बैठ सकते हो। एंड यहाँ पे आई थिंक ये वाला पूरी स्पेस भी है, दिखाती हूँ आपको। ऐसा कुछ जो मैं पहले हाउस बोट में रुकी थी वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको कंपैरिजन इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि 2-3 हज़ार वाली हाउस बोट में और एक लग्जूरियस हाउस बोट में क्या डिफरेंस होता है। तो अब आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से भी कितनी पूरी स्पेस है कि आप पूरा वहाँ से वॉक करते हुए वहाँ तक जा सकते हैं। आप लेक देख सकते हो कि लेक कितनी ज़्यादा क्लीन है, कितनी ज़्यादा सुंदर है। दल लेक कितनी क्लीन नहीं है, आई कैन से दैट। सो या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि दल लेक कितनी क्लीन नहीं है जितनी क्लीन लेक नगीन लेक है। उसका रीज़न अगेन वही है कि ये बहुत ही लेस क्राउडी प्लेस है। यहाँ लोग कम आते हैं तो ऑब्वियसली गंद बहुत कम मचता है, शोर बहुत कम होता है। यहाँ लाइक दूर दूर तक कोई नहीं है यहाँ पे। इस साइड तो बल्कि कोई हाउस बोट ही नहीं है, सिर्फ यही हाउस बोट है। तो जिसको बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए, कुछ डिफरेंट लग्जूरियस एक्सपीरियंस चाहिए, सो अगेन नाज कश्मीर इज़ द ऑप्शन फॉर यू। इतने पीसफुल इन्वायरमेंट में थोड़ा क्वालिटी टाइम खुद के साथ स्पेंड करने के बाद मैंने यहाँ पे किया डिलीशियस लंच। सूप है, पनीर है, ओके, दाल है, राइस, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सो ये मेरा खाना यहाँ पे आ चुका है एंड प्योर वेजिटेरियन हूँ सिंस मैं, तो ये प्योर वेजिटेरियन फूड है। थैंक्स अ लॉट।
सो गाइस अभी आफ्टरनून का टाइम है तो अभी मैं यहाँ पे लंच करने वाली हूँ और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ. वैसे तो मैंने इनको कहा था कि मेरे को प्योर वेजिटेरियन अच्छा फूड चाहिए. बेसिकली कश्मीर आए हुए 4 दिन हो गए हैं बट अच्छा वेजिटेरियन फूड अभी तक मैंने नहीं खाया. तो अभी यहाँ पे मेरे सामने फूड है बेसिकली और सूप भी दिया है इन्होंने, टमाटो सूप भी दिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ जो कि बहुत ही यम्मी लग रहा है. तो अभी खाना एंजॉय करते हैं यहाँ पर एंड आई होप कि ये अच्छा होगा. गाइस मस्ट ट्राई टोमेटो सूप हेयर. जब भी आप आओगे तो ये टोमेटो सूप यहाँ का जरूर ट्राई करना. लाइक इट्स टू गुड. इतना ही हमें एक्सपेक्टेड नहीं था ऑनेस्टली, बट ये बहुत अच्छा टोमेटो सूप है. चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं इस हाउस बोट के प्राइस की कि मैं कितना प्राइस पे कर रही हूँ. सच कहूँ तो मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस बताने का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज़ यहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, नंबर ऑफ गेस्ट एंड वेरियस फैक्टर्स. सो आई वुड से कि मैंने मेक माई ट्रिप से यहाँ पे बुकिंग की थी, तो आप भी मेक माई ट्रिप या फिर क्वाइबिबो ऐसी वेबसाइट से यहाँ पे रेट्स चेक कर सकते हैं जब भी आपको यहाँ पे स्टे बुक करना होगा और वहीं से आप बुकिंग भी कर सकते हैं. कुछ ब्रैकेट अगर आपको मैं बताऊं तो 7,000 to 8,000 के बीच में यहाँ का प्राइस थोड़ा लाइक करता है एंड ऑफ कोर्स वो वेरी करेगा, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस बताने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो आप चेक कर लेना वेबसाइट पे अपनी डेट्स के अकॉर्डिंग. और ये यहाँ के टेरेस का व्यू है जहाँ पे समर के टाइम में यहाँ पे ये कपल डाइनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो कपल्स के लिए ये तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. प्रीवीसी की प्रीवीसी विद गुड लग्जरी एक्सपीरियंस. तो इन सब के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी, मैं सीधा सो गई थी एंड मेरे को नहीं पता कब रात भी हो गई. देन उसके बाद मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट मॉर्निंग. तो जी गाइस मैंने नास कश्मीर को यहाँ से बोल दिया बाय. इट वाज रियली अ ग्रेट फन टू स्टे हियर, लाइक व्हाट अ लवली एक्सपीरियंस. एंड यहाँ से आज मैं जाने वाली हूँ वापसी अपने घर वापस. फिर मैं आई थी वैसे ही मैं वापस जाऊँगी बाय ट्रेन. बाकी आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो. मैंने जी थोड़ा प्राइसी साइड पे आपको हाउस बोट का स्टे दिखाया है. आई होप कि आपको पसंद आया होगा. अगर आया तो वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी श्रीनगर की ट्रैवल सीरीज़ कैसे लगी. सिंस ये मेरा लास्ट डे है श्रीनगर में, तो इसी के साथ श्रीनगर की ट्रैवल सीरीज यहाँ पे ख़त्म होती है. आई होप कि आपको मेरी वीडियोस के थ्रू जो मैंने पिछले 4-5 वीडियोस अपलोड करे हैं श्रीनगर ट्रैवल सीरीज के, आपको बहुत बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली हो फ्रॉम अ सोलो ट्रैवलर. तो बाकी मैं ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी एक सीटिंग वीडियो में कि मेरा एज अ सोलो ट्रैवलर कैसा एक्सपीरियंस रहा कश्मीर में, क्या कश्मीर सोलो ट्रैवलिंग के लिए हैवी. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं और सेटिंग वीडियोस में दूंगी. बाकी आई होप ये सारी वीडियोस आपको पसंद आई हो जो मैंने अपलोड कर दी हैं एंड मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट ट्रैवल सीरीज़ के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ ट्रैवल.